2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवार्डेड शो एक कहानी ऐसी भी बेस्ट ऑफ सीजन 2 प्रवीण के साथ। मैंने कितनी बार कहा था सुमित से कि मेरे साथ ऐसा ना क्या करे, मुझे पसंद नहीं। कितनी बार कहूंगा कि मुझे अकेला छोड़ दे और मुझे परेशान ना क्या करे, लेकिन अपनी दादागिरी से बाज आए तब तो कुछ हो। कुछ लोग तो सिर्फ यही भाषा समझते हैं और उनके साथ ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। आज तो इसको पता चलेगा ही कि ये कितना गलत है। लेकिन सुमित हिल क्यों नहीं रहा? सुमित को हिला डुला के मैंने देखा तो सुमित जिंदा है, बेहोश हो गया है मार खा खा के। चेहरे पर इतने घूंसे मारे थे कि चेहरे का हाल बुरा था इसका। सर पे चोट आई थी और दाया हाथ भी मैंने इसका तोड़ दिया। मेरा नाम केदार है। सुमित मेरी क्लास का दादा हुआ करता था। हमेशा हर बात पे हर किसी को नीचा दिखाना, परेशान करना, किसी भी लड़की पे कमेंट करना उसका रोज का काम था। पिछले 3 दिन से मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ा था। पता नहीं क्या हो गया था उसको जो मैं उसे फूटी आंख नहीं भा रहा था। एक दिन मेरे पीछे पीछे आया और पूरे वक्त मुझे और नैन्सी को लेकर कमेंट्स पास करता रहा। मैंने जानबूझ के कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझसे लड़ाई करना चाहता था, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। वैसे तो कल की बात है जब मुझे उसने कॉरिडोर के कोने में पकड़ा था और कॉलर पकड़ के धमकी दी थी और मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। लेकिन अभी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, बस मारता गया। पर अजीब बात यह थी कि ना उसने बचने की कोशिश की और ना ही वो भागा। मैं उसे और नहीं मारना चाहता था लेकिन मुझे लगा जैसे मेरा हाथ पकड़ के किसी ने मेरे हाथों से पास में पड़ा वो पत्थर उठवाया और मैंने वो पत्थर अकेले ही उठा लिया, जिसे 3 लोग मिलके भी नहीं उठा पाते। मैं अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन मैं रुक ही नहीं पा रहा था। फिर वो हुआ जो मैं कभी नहीं कर सकता था। वो पत्थर मैं अब फेंकने ही वाला था सुमित के सर को कुचल के उसे मारने के लिए कि मैं चीखता हुआ अपनी नींद से जागा। हाफते खुद को सामने शीशे में देखा तो यकीन आया कि मैं वो चश्मेश बेवकूफ केदार हूं और सुमित कॉलेज का हीरो जिसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी मुझे बहुत पसंद थी और ये सब मैं अपने सपने में देख रहा था। एक दो बार मुझे नैन्सी के बारे में बोलते हुए सुमित ने सुन लिया था, इसलिए उसने मुझे डराया धमकाया था। मेरा उस दिन मन नहीं किया तो मैं कॉलेज नहीं गया। अगले दिन नहा धोके कॉलेज को निकला तो फिर वो सारे लड़के मुझे परेशान करेंगे। मैं यही सब सोच रहा था कि मैंने सामने से सुमित को आते देखा। उसके सर पे पट्टी बंधी थी, दाएं हाथ में प्लास्टर था और भी कुछ कुछ चोटें लगी हुई थी और वो नैन्सी को गुस्से में चिढ़ के कह रहा था, कितनी बार कहूं मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ।
कल सुबह सोकर उठा तो मुझे इतनी सारी चोटें लगी हुई थी। ये कहानी जारी रहेगी। प्रेसिबल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी बेस्ट ऑफ सीजन 2 प्रवीण के साथ। मेरा नाम केदार है, क्लास का चश्मिश और लल्लू कहते हैं सब मुझे। एक दिन सपने में मैं सुमित को मार रहा था और जब कॉलेज गया तो देखा कि उसके बदन पे उन्हीं जगहों पे पट्टियां और प्लास्टर थे जहां जहां मैंने सपने में उसे मारा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या था। मुझे जानना था कि ये सब कैसे हुआ। मैं सुमित के पास गया और उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने मुझसे ऐसे बातें करी जैसे वो मेरे बचपन का दोस्त हो। उसने कहा, कुछ नहीं भाई, बस एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी चोट लग गई है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मैं आगे कुछ पूछूं, इससे पहले ही ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने कान के पास आकर कहा, तू खुश तो है ना? मैं एकदम से पलट के वहां से आगे बढ़ा। कॉलेज में रुकने का दिल नहीं था मेरा बिल्कुल। सोचा सीधे घर ही चला जाऊं, और घर पहुंच के नहाते वक्त मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने शार बंद किया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो पूरे घर में आवाज तो लगातार आ रही थी, लेकिन मेरे अलावा कोई और नहीं था घर पे। मैंने हर एक कमरा देखा, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो बाहर भागने को हुआ, और मेरे दरवाजे के पास पहुंचते ही बगल के स्टोर रूम से आवाज तेज होने लगी तो मुझे समझ आया कि यह आवाज वहीं से आ रही थी। अंदर जाकर मैंने लाइट जलाई तो सामने एक दरवाजा और था। उसे खोलते ही मैंने देखा कि सामने एक टीटी टेबल लगा था, और मेरा कॉलेज का टीटी चैंपियन विराग दीवार से टेबल लगा के टीटी खेल रहा था। मेरे घर के अंदर यह विराग नहीं हो सकता था, लाख मुझसे दुश्मनी हो, लेकिन ये विराग नहीं, कोई और मेरे ख्याल से कुछ और था। मैंने आवाज दी, कौन हो तुम और ये सब क्या है? उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, बस खेलता रहा, और खेलते खेलते ही अचानक मेरी ओर पलट के उसने कहा, बेवकूफ है तू, लल्लू है, तू सिर्फ किताबों में ही डूबा रहे, कुछ और ना हो ना तुझसे। मैं कभी उसको कुछ बोल नहीं पाया था, लेकिन आज मेरे ही घर में ऐसा कुछ कह दे, इतनी हिम्मत उसकी तो क्या किसी की नहीं हो सकती थी। मैंने वहीं रखे हुए मेरे बैट को उठाया और उसे फेंक के मारा। वो बैट लगते ही चीख कर गिर पड़ा। यही मौका था बस मेरा। मैंने बैट वापस उठाया और उसे मारना शुरू कर दिया। उसे मारता गया, इतना मारा कि वो वहीं मर गया। मैं उसकी लाश को घसीटते हुए गार्डन तक ले गया और एक गड्ढा खोदकर उसे गार्डन में दफन करके मैंने अपने कपड़ों को जला दिया, लेकिन कपड़े जलते हुए धुआं बढ़ता चला गया। कमरे में इतना धुआं भर गया
कि मैं खांसते खांसते बेहाल हो गया और खांसते हुए ही मेरी नींद खुली। तो मुझे समझ आया कि मैं फिर से सपना देख रहा था। मैंने देखा कि मैं कॉलेज से वापस आकर बैग पे ही सर रखे हुए सो गया था। मैं नींद में आंखें मलता हुआ नहाने के लिए बाथरूम में गया तो देखा मेरे हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सचमुच हो सकता था। मैंने तुरंत खिड़की से झांक कर गार्डन में देखा तो गार्डन की मिट्टी ऐसे उबड़ खाबड़ भरी थी जैसे वहां किसी की कब्र हो। और एक बार फिर मुझे मेरे कानों में सुनाई दिया, तू खुश तो है ना? ये कहानी जारी रहेगी। 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी बेस्ट ऑफ सीजन 2 प्रवीण के साथ। मैं केदार। क्लास में सब चश्मिश लल्लू और बहुत कुछ कह के चढ़ाते हैं मुझे। मैंने सपने में अपनी क्लास के सुमित को मारा था और दो दिन बाद देखा कि मैंने जहां जहां उसे सपने में मारा था वहीं पट्टियां बंधी थी उसके। और उसके बाद मैंने अपने ही घर में अपने सपने में विराग को मारा और उसे गार्डन में दफना दिया। मैंने उठकर देखा तो गार्डन की मिट्टी उबड़ खाबड़ थी जैसे सच में किसी ने वहां गड्ढा खोदकर किसी की लाश को दफन किया हो। मैं गार्डन की तरफ देख ही रहा था जब मेरे कानों में मुझे सुनाई दिया, तू खुश तो है ना? मैं खुश तो था, बहुत खुश। मैंने अपनी शेल्फ खोली, पुरानी स्कूल मैगजीन निकाली और देखने लगा। मैगजीन में मुझे मेरे बैच का पुराना फोटो दिखा और उसमें एक चेहरे को देखते ही मेरे अंदर जैसे आग लग गई थी। कुछ चीजें हम भूलना चाहते हैं पर जिंदगी भर के लिए वो हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं। कितना भी हम उन्हें भूलना चाहें लेकिन भूल नहीं पाते। मेरा एक पुराना बैचमेट था जिसका एक ही काम था, मुझे बेइज्जत करना। हर वक्त सबके सामने मेरा मजाक बनाता था। पूरा स्कूल सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करता था कि कब विकास मेरा मजाक उड़ाएगा और मैं लड़कियों की तरह बिलख बिलख के रोऊंगा। आज की तारीख में विकास एक 5-स्टार होटल में शेफ बनने की इंटर्नशिप कर रहा था। मैंने मैगजीन पढ़ते पढ़ते उसे साइड रख दिया और टीवी चलाकर टीवी देखते देखते अचानक मुझे किचन से कुछ आवाजें आई। मैं उठ के दरवाजे पर गया और किचन में देखा तो सामने विकास खड़ा था। विकास मुझे देखते ही वैसे ही हंसा और उसने कहा, वो अभी भी वैसे का वैसे ही बेवकूफ जैसा ही दिखता है। तुझे आज भी कोई लड़की घास नहीं डालती ना साला लल्लू लाल। और जोर जोर से हंसने लगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैं दौड़ता हुआ
उसके ऊपर कूदा और बिल्कुल उसकी छाती पर बैठ गया। उसका चेहरा आज बिगाड़ देना था मुझे। मैं पागलों की तरह उसे मारता जा रहा था और वो हंसता जा रहा था। अरे ढंग से और बीच बीच में मुझे बेवकूफ लल्लू बोले जा रहा था। गुजरते हुए हर एक पल उसकी हंसी के साथ साथ मेरा गुस्सा जैसे पागल पन बनता जा रहा था। मैं विकास को मारते मारते थक चुका था। मेरे हाथों से खून बह रहा था और उसके चेहरे से। मैंने किचन के रैक पे सामने रखा छुरा उठाया और विकास की गर्दन में छुरा। एक खून की गर्म धार निकली। कुछ उबलती छींटे मुझ पे भी गिरे और मैं नींद से ऐसे जागा जैसे पता नहीं क्या हुआ था। मैं उठ के सीधा बाथरूम गया और मुंह पे पानी के छींटे तब तक मारता रहा जब तक आंखों में पानी से जलन नहीं होने लगी। वापस आकर बिस्तर पे लेटा तो फोन पे व्हाट्सएप मैसेज की ट्यून बजी। उठा के चेक किया तो स्कूल के पुराने दोस्तों के ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ था। बैड न्यूज गाइस, विकास डाइड। मैं वो मैसेज देख ही रहा था जब फिर से वही आवाज मुझे सुनाई दी। तू खुश तो है ना? ये कहानी जारी रहेगी ब्रेक के बाद। मैं स्कूल कॉलेज हर जगह चश्मिश बेवकूफ लल्लू किताबी कीड़ा पता नहीं कितने नामों से जाना जाता हूं। मैंने सपने में अपने कॉलेज के लड़के सुमित को जहां जहां मारा। हर जगह पर दो दिन बाद पट्टियां थी उसके। फिर मैंने अपने सपने में ही विराग को मारा और अब स्कूल का एक पुराना दुश्मन विकास। मैं समझ चुका था ये सब क्या हो रहा था। बस एक और बाकी था। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। बहुत देर तक कोशिश की लेकिन नींद ठीक से आई नहीं। मैं बहुत ज्यादा बेचैन हुआ जा रहा था। मुझे सोना ही था हर हाल में। ये एक आखिरी काम करना ही था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था जब अचानक किसी के झगड़ने की आवाजें आने लगी। वो भी मेरी मां के कमरे से। मैंने उस तरफ जाते जाते खुद को कॉरिडोर के शीशे में देखा तो मैं 21 साल का नहीं था, तकरीबन 7-8 साल का था। मैंने झांक के दरवाजे से अंदर देखा तो एक आदमी मां पे चिल्ला रहा था। बहुत हो चुका ये नाटक, अब ये सब खत्म। मेरी बीवी है, बच्चा है, शादी की है मैंने किसी से, तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं कुछ भी देख सकता था लेकिन मेरी मां की आंख में आंसू नहीं। मैं अंदर घुसा और मां को किनारे हटाया और उस आदमी को दरवाजे के पीछे रखे डंडे से सर पे जोर से मारा। वो चीख कर गिरा और वहां से भागा। मैं उसके पीछे पीछे भागा और सीढ़ियों से लगभग कूद के नीचे उतरा कि मैंने सीढ़ियों के पास रखा छोटा स्टूल उठा के फेंका तो सीधे उसके पैरों में लगा।
मैं जब तक नीचे उतरता उतनी देर में वो वापस उठ के खड़ा हो गया। लेकिन आज ही मुझे खत्म करना ही था। मैंने सामने टेबल पे रखे पेपर वेट को उठाया और फेंक के उसके सर पे मारा। उसका सर फटा और वो आदमी गिरकर चीखने लगा। मैंने लोहे का पड़ा हुआ सरिया उठाया और अंधाधुंध बस मारता गया मारता गया। जमाने भर की नफरत वे अंदर बचपन से जमाए हुए मैं खुद को रोकता भी तो कैसे। ऐसी सजा मुझे कम लग रही थी उस आदमी के लिए जिसने मुझे अपना नाम तक नहीं दिया। मेरा जी नहीं भरा था। मैंने किचन में पड़ा छुरा उठाया और उस पे चढ़ गया। उस आदमी के चेहरे पे अब भी उसकी इस नाजायज औलाद के लिए प्यार नहीं दिखा। मैंने वो छुरा उसकी गर्दन में काट दिया और कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख से मेरी नींद खुली तो मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई थी। तू खुश तो है ना? खुश तो है ना? मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं था। पापा को कभी देखा नहीं था। कभी कभी एक फोन आता था जिसके बाद मां रात भर रोया करती थी। पिछले कुछ वक्त से मां बहुत ज्यादा बीमार चल रही थी। मैं चाहता था कि मां खुश रहे। मां की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मां को हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां मां की हालत बिगड़ती गई और आखिरकार मुझसे जब देखा नहीं गया तो मैंने मां का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। और मैंने अपनी मां के कान में कहा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी मां, तुम खुश रहोगे। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी बेस्ट ऑफ सीजन 2 प्रवीण के साथ। लाइट अप माय पास I like your Skechers, you like me, my Gucci shoes. I'll buy you the pants only if you show me your boobs. I like your Skechers, you like me too. Bring your friends, all of us in the pool. That little bitch, all